एक दशक पूर्व गाय को माता और बैल को देवता माना जाता था, उनकी पूजा की जाती थी। जहां कुछ समय पहले अदद बैलों की जोड़ी खरीदने के लिए किसानों को अपनी गाढ़ी कमाई लगा देनी पड़ती थी, जिस किसान के पास अच्छी बैलों की जोड़ी होती थी उसे ऊंचे हैसियत से आंका जाता था। किंतु अब यह बैल मूल्यहीन साबित हो रहे हैं। इसका एक ही कारण है कि मशीनीकरण हो जाना। किंतु अब यही बैल व छुट्टा बछड़े कसाईयों की भेंट चढ़ रहे हैं, या फिर छुट्टा बछड़े एवं गाय किसानों की फसलों को चौपट करते हुए नजर आ रहे हैं। गौशाला भी नकारा साबित हो रहे हैं। आज से एक दशक पूर्व ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की जुताई का कार्य बैलों के सहारे ही निर्भर था, और किसानों को बैलों की जोड़ी खरीदने के लिए सेठ से उधार रुपए लेकर अपनी पत्नी के गहने भी गिरवी रखना पड़ता था। तब उसे एक अदद बैलों की जोड़ी नसीब होती थी, जिनके सहारे किसान अपनी अपनी खेती करते थे और इनसे अपने दूसरे काम भी करवाते थे। उनकी रोजी रोटी व किसानों का समस्त कार्य बैलों पर ही निर्भर था। विडंबना इस बात की है, अब आज यही बैल व बछड़े किसानों के लिए अभिशाप बनकर रह गए, क्योंकि इनकी जगह ट्रैक्टरों ने ले ली है, जिससे अब यह गाँव के कूड़ा करकट के ढेर पर पड़ी वस्तुएं खाकर अपना पेट भरते हैं। इनको तरजीह कोई नहीं दे रहा है। जो दिन रात हल खींचकर किसानों का पेट भरते थे, अब उनके पेट के लाले पड़े हैं। भूमि के दाम बढ़ने के कारण तथा महंगाई के चलते अब किसान भी इनसे मुंह मोड़ रहे हैं। वह गाय को अपनी मात्र आय बढ़ाने के लिए पालते हैं, किंतु बछड़ों को छुट्टा छोड़ देते हैं। रेउसा क्षेत्र के सेवता, फरोहा, पुरानी, पुरवलिया में बछड़े गैर दुधारू गायों का झुंड आए दिन छुट्टा चरते रहते हैं। इस प्रकार गाय और सांड, रेउसा क्षेत्र के दर्जनों गाँव में गाय सांड घूम रहे हैं, जो कि आए दिन नागरिकों को चोटिल कर देते हैं और किसानों की फसलों को भी नष्ट कर देते हैं। जब बछड़े गैर दुधारू गाय किसान कसाईयों के हाथ बेच देते हैं या फिर उन्हें छुट्टा छोड़ देते हैं। एक दशक पूर्व किसान बैल को देवता और गाय को माता समझता था और उनकी पूजा करता था, पर आज बैल व गाय खाने की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। पशु आश्रय केंद्र में उनको भरपेट भोजन नहीं मिल पा रहा है। रेउसा क्षेत्र के समस्त पशु आश्रय केंद्र नकारा साबित हो रहे हैं। आज भी किसान अपनी फसल की रखवाली रात दिन कर रहा है, तब कहीं उसको रोटी नसीब होती है। सरकार व शासन सोया हुआ है, किसान की कोई सुनने वाला नहीं है। या छुट्टा जानवर किसानों की फसल तहस नहस कर देते हैं, इससे किसान घर की नींद खेतों की मेड़ पर ही पूरी करते हैं और जहरीले सांप से अपनी जान जोखिम में डालकर रात्रि में खेत की रखवाली कर रहे हैं। आवारा पशु इलाके की फसलों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। रेउसा से महेंद्र कुमार की ये रिपोर्ट।